दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 बाई 40 का हाउस प्लान, जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और इसी को हम पूरा डिस्कस करेंगे। और बहुत ही ओपन मैंने ये डिज़ाइन दिया है, एक हमारे सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर। इसका साइज़ की बात करें तो 12 फीट चौड़ाई है, और लंबाई की बात करें तो 40 फीट लंबाई है। यहाँ पर आपको थर्ड फ्लोर मतलब तीन फ्लोर मिलेंगे, जहाँ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर। तो पूरा डिस्कस करेंगे। आप मॉडल आपको देख रहा होगा, बेहतरीन सा डिज़ाइन है और वेंटिलेशन के भी प्रॉपर ख्याल रखा है मैंने, तो यहाँ पर आपको सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें रेड कलर के बटन पर क्लिक करके, साथ साथ बेल आइकन दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो हमारा वेबसाइट है smallhouseplan.com, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप यहाँ पर आकर और भी मॉडल्स देख सकते हैं, और आपको बेहतरीन बेहतरीन से प्लान लगातार यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलो पूरा मॉडल डिस्कस करते हैं। तो हमेशा की तरीके से मैं आपको इसको सबसे पहले ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस मॉडल को आप ट्रांसपेरेंट करते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में दिखेंगे। देखिए ये मॉडल आप जैसे ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ये मॉडल आपको कुछ ऐसा दिखने वाला होता है। साइड से बात करें तो आपको ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू आपको ऐसा दिखेगा, और फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा। ट्रांसपेरेंसी मतलब आपकी दीवारें यहाँ पर सारी हाइड हो जाती हैं। तो चलो मैं इसको फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आता हूँ, तो ये पूरा मॉडल हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका 2D मॉडल और डिस्कस कर देता हूँ। तो 2D मॉडल आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये पीछे एक बेडरूम मिलेगा जिसका साइज यहाँ पर दिया गया है 11x6x11x5, मतलब 11.6x11.5 का बड़ा सा बेडरूम मिलेगा। यहाँ पर आपको आपका मिल जाता है बाथरूम और साइड में टॉयलेट, और इसके बगल में आपका मिलता है किचन, और ये आपका एक गेस्ट रूम मिलता है बड़ा सा, और ये फ्रंट में आपकी स्टेयर्स मिल जाती हैं। क्योंकि चौड़ाई कम होने की वजह से यहाँ पर रूम आपका एक ही निकल पाया है। सेकेंड फ्लोर पर आपको मैं और इसका प्लान दिखाऊंगा। तो चलो इसी को हम 3D में देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर जैसे चलते हैं तो आपको देखिए ग्राउंड फ्लोर पर ये दिख रहा है। ये फ्लैट डिजाइनिंग का पार्ट है, फ्रंट से दिखा दूं, ये आपको एक जो दिख रहा होगा ये डिजाइनिंग का पार्ट है। और जैसे हम मेन डोर से एंट्री करते हैं फ्रंट में, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया ये स्टेयर्स मिल जाती हैं, और ये आपका एक गेस्ट रूम मिल जाता है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये आपका गेस्ट रूम है, और ये आपका है किचन, और ये आपका पूरा बाथरूम एंड ये टॉयलेट है। ये आपका बड़ा सा बेडरूम है, आप यहाँ से एंट्री करेंगे बेडरूम में, और टॉयलेट के लिए अलग सेपरेट गेट दिया है, सॉरी बाथरूम के लिए और टॉयलेट के लिए भी अलग दिया है। आपका जो किचन है ये ओपन है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप गेट लगवा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। वही प्लान देखिए मैंने 2D में भी डिस्कस किया था, सेम प्लान है। आपके बेडरूम, ये आपका बाथरूम, ये टॉयलेट, ये किचन एंड ये गेस्ट रूम एंड ये आपकी स्टेयर्स, और ये थोड़ा सा स्पेस बचेगा जहाँ अपनी बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। तो ये मॉडल इसका 3D प्लान है जो कि आपको मैंने दिखाया 12x40 का। अब इसके हम फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, मतलब कि अपर फ्लोर पर। तो देखिएगा डिजाइनिंग के लिहाज से आप ऐसा इसको देख पाएंगे कि आपको भी दिख रहा होगा ओपन सा, लेकिन अब जैसे इसके सेकंड फ्लोर पर चलेंगे तो आपको सारा बंद दिखेगा, तब आपको और बेहतरीन लगेगा। तो चलो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसका फर्स्ट फ्लोर। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं स्टेयर्स के माध्यम से यहाँ से आएंगे, और आपको ये मिल जाता है गेस्ट रूम। फिलहाल इसकी चौड़ाई तो कम होगी क्योंकि 12 फीट लंबाई, इसमें आपको लगभग 4 फीट गैलरी भी छोड़नी पड़ेगी, तो लगभग 7-7.5 फीट का चौड़ाई मिलेगी। लंबाई आपको 12 से 13 फीट मिल जाती है, चौड़ाई फिलहाल कम मिलेगी क्योंकि जगह कम होने की वजह से। तो आपके ये और बेडरूम निकल आएगा, मैंने टॉयलेट एंड बाथरूम वहीं रखा है, सिर्फ किचन को यहाँ से हटा दिया है, और पीछे से आपको फिर से वही बेस्ट बेडरूम आपका जो नीचे वाला था वो मिल जाता है। और आपको यहाँ पर मिल जाता है बालकनी 2 से 2.5 फीट का आगे, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर आपको डिजाइनिंग है, ये रेलिंग लगी है, ये आपको सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट है, जिस वेंटिलेशन का प्रॉपर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, और ये ग्लासेस लगे हैं। अब इसके हम लास्ट फ्लोर पर चलते हैं, और अगर आपको उसका सेकेंड फ्लोर का डायमेंशन चेक करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिस पर मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ पर आपको सारे 2D मॉडल, 3D मॉडल सबका अलग अलग इमेज मैंने दे रखा है, आप बहुत ही आसानी से चेक करके आप उसे पूरा समझ सकते हैं। तो ये देखिएगा अब हम आ गए इसके लास्ट फ्लोर पर। जैसे लास्ट फ्लोर पर आते हैं तो ये स्टेयर से फिलहाल यहाँ गेट लगाना मैं भूल गया हूँ, यहाँ आपका गेट होएगा और इसके बाद आप इस छत पर आ पाएंगे, और फुल मॉडल आपको ऐसा दिखने वाला है। गेट भी मैंने ढक दिया है स्टेयर से भी। तो ये पूरा ऐसा मॉडल था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। ये एक डिजाइनिंग का पार्ट, डिजाइनिंग से आपको बेहतरीन लगता है, कलरफुल मॉडल है, ये ग्लासेस हैं, यहाँ से वेंटिलेशन का प्रॉपर आप विंडो ओपन कर पाएंगे, ये ऊपर से भी मैंने राउंडेड विंडो दे दिया है, और ये आपका बेहतरीन सा मॉडल बनकर तैयार हो जाता है। तो
और फिलहाल यहाँ पर मैंने ना ग्लास लगाया ना, कोई ओपन एरिया है ये जो आपको दिख रहा होगा ओपन, जिसमें आपको हवा पास होती रहे सामने, नहीं तो फिर आपका लोग क्लोज घर हो जाएगा, बहुत ही प्रॉब्लम्स मिलती हैं। तो ये पूरा मॉडल था, कैसा लगा 12x40 का ये मॉडल मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक मॉडल हो और आप डिजाइन करवाना चाहते हो तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट करें। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं स्मॉल हाउस प्लान पर, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।